सो हे गाइस, न्यूज बॉय है तो आज मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना। 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर ले क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी के फोटो के बारे में। तो भाई ये धोखा हुआ है हमारे साथ। तो ये जो फोटो था जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जो रोनाल्डो अपलोड किया था अपने इंस्टाग्राम पर, जिसपे काफी सारे लाइक्स भी है ना, सेकंड मोस्ट लाइक्ड इंस्टाग्राम पोस्ट बन चुका वो। तो वो दोनों जो है एक साथ नहीं थे जब वो फोटो क्लिक किया गया था, वो जो एडिटेड था। ये सभी कुछ फोटो जो है सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, वो फोटो शूट के दौरान का, जहाँ पे उस टाइम पे जो है रोनाल्डो एंड मेसी एक साथ नहीं थे। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स में भी आउट हो चुका है ना। तो अभी जो उनके फैंस है वो बिलीव नहीं कर रही है, उनको लग रहा है कि वो लोग ने जो धोखा दिया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के साथ इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क जो हिंदी का एक वर्ड यूज किया था ट्विटर पर। तो बेसिकली वो जो ट्वीट किए थे उन लोगों के ऊपर रिएक्ट करते हुए, जो उनको जज करते रहते हैं ना, वो बताए थे कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर रहो, ट्विटर पर नहीं। वो बोले कि प्लीज आई एम बेगिंग यू, और इसके नीचे वो लिखे नमस्ते, है ना, आप देख सकते हो। तो उसके ऊपर जो यहाँ पे मैक्सन भी रिएक्ट करे, दिस नमस्ते इज अ साइन इलॉन मस्क विल स्टार्ट ट्विटर ब्लू सून इन इंडिया। ट्विटर ब्लू वही जो $8 देके आप वेरीफाई कर सकते हो वही, लेकिन शायद से ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो ट्विटर ब्लू को अभी होल्ड पे रखने वाला जब तक कि वो एंड उनके टीम जो पूरा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ हम जो इंपर्सोनेशन रोक सकते हैं। इंपर्सोनेशन मतलब वही है ना, जैसे मैं शाहरुख खान बन गया ना फॉर एग्जांपल, वैसा। एंड वो बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट रहता है उनमें कुछ अलग चेक मार्क होगा, मतलब कि ब्लू टिक ही होगा, लेकिन दूसरे कलर का हो सकता है। एंड जो इंडिविजुअल्स है उनके में अलग। ऑल्सो ना मिस्टर बीस्ट एंड इलॉन मस्क के बीच में जो यूट्यूब से रिलेटेड बात हुआ था, तो क्या इलॉन मस्क जो है यूट्यूब को कॉम्पिटिशन देने वाले? क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क जो है ट्वीट किए थे जहाँ पे वो बताया कि ट्विटर में जो 1.6 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स अभी और जुड़ गए लास्ट हफ्ते में, एंड ये ऑल टाइम हाई है, मतलब है ना। तो उसके नीचे मिस्टर बीस्ट रिप्लाई किया कि यूट्यूब का डेली एक्टिव यूजर्स कितना है ना, एंड उसके नीचे इलॉन मस्क कहते हैं कि लेट्स सी भाई, ट्विटर जब क्रिएटर्स को अच्छे वीडियोस डालने का ऑफर करता है एंड पेमेंट भी अगर अच्छा देता है तो क्या होगा उसका सीन ना। तो उसका मिस्टर बीस्ट रिप्लाई करते हैं कि ज्यादा पैसे देना ट्विटर पर तो मुश्किल हो जाएगा, शायद से कुछ यूट्यूबर्स को जो $20 प्लस का आरपीएम मिलता है, यूट्यूब का जो परसेंटेज रहता है वो कट करके भी, अगर तुम ये करते हो देन फिर वो शॉक्ड हो जाएंगे ना, कि मतलब ट्विटर यूट्यूब से भी ज्यादा पैसे देने लग जाएगा। तो अब उसका ऑफकोर्स इलॉन मस्क रिप्लाई नहीं किया, जैसे करते मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए अगली अपडेट उसे राउडी भाटी के बारे में। तो इनके जो काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स थे ना इंस्टाग्राम पर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली जो इनका डेथ हो गया ड्यू टू एक्सीडेंट। यस, बताया जा रहा है कि वो जो रात को पार्टी करके सुबह 3 बजे जो है आ रहे थे ना, जब उन्होंने टर्न लिया तब एक पेड़ में जाके उनका गाड़ी टकराया। उस टाइम पे जो राउडी भाटी ड्राइव कर रहे थे गाड़ी को, वो लोग जो स्पीड में भी थे ना, उनके साथ 2 जन और थे, जिनमें से एक का कंडीशन तो काफी ज्यादा सीरियस है, दोनों का ही ट्रीटमेंट चल रहा है। एंड वो जो मारुति स्विफ्ट गाड़ी में थे। अब मैं तो ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, मे ही सोल रेस्ट इन पीस। ऑल्सो यहाँ पे एक्सीडेंट का बात हो तो बात करें जट प्रभजोत के बारे में। जट प्रभजोत का कल फर्स्ट हियरिंग था कोर्ट में नेपाल में, तो उनको जो अभी बेल मिल चुका है वो जो इंडिया आ सकते हैं अभी, लेकिन फिर भी उनको 1-2 बार जाना पड़ेगा फिर भी ना, बाद में जब वो कंप्लीटली ठीक हो जाएंगे, कुछ प्रोसेस रहता होगा उसके लिए। इससे रिलेटेड उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया, अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अगली अपडेट है पीडब्ल्यू सॉल्यूशन के बारे में। आई डोंट नो ये फिजिक्स वाला का ऑफिशियल चैनल है या नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऑफिशियल चैनल है, क्योंकि मैं फिजिक्स वाला के चैनल्स वाले सेक्शन में जाके ना चैनल्स वगैरह चेक किया, तो ये चैनल नहीं था वहाँ पे। तो इस पे आप देख सकते हो 16,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, एंड वीडियोस आप देख सकते हो 4.5 लाख से भी ज्यादा अपलोड किया गया, व्हिच इज ह्यूज भाई। 4.5 लाख वीडियोस मामूली नहीं होते। तो चलिए अगली अपडेट है CS:GO के बारे में। आपको पता हुआ ये गेम है ना, एंड आपको पता हुआ गन के स्किन के बारे में। जब आपने पबजी खेला होगा, फ्री फायर खेला होगा, तो स्किन के बारे में आपको पता ही होगा, उसके लिए जो पैसे खर्च करने पड़ते हैं ना। तो ना यहाँ पे CS:GO में एक सबसे महंगा स्किन है AK-47 का, वो क्या है आप देख सकते होंगे अभी स्क्रीन पर है ना, एंड उसका भी बोली लगने वाला है। उसका स्टार्टिंग प्राइस कितना होगा पता है? $4 लाख भाई, $400,000 इंडियन रुपीज में कितना होता है आप देख सकते हो स्क्रीन पर। एंड इसको खरीदने के लिए ऑलरेडी इंटरेस्टेड लोग है, समझ रहे हो भाई क्या खतरनाक भाई। एक गेम के गन के स्किन का इतना प्राइस भाई, इतना मिल जाए तो मेरा जिंदगी भाई आराम से चल जाएगा यार। तो चलिए अगली अपडेट है किंग के बारे में। तो किंग का जो एक दिन पहले रायपुर में एक कॉन्सर्ट था, तो वहाँ पे एक सीन हो गया, मतलब गलत वाला। बेसिकली वहाँ पे जो बहुत सारे भीड़ आ गए थे ना, एंड बताया जा रहा है कि वहाँ का मैनेजमेंट का गलती था, उन्होंने भीड़ को संभाला नहीं, बहुत सारे फैंस को उन्होंने आने दिया। जब वो गा रहे थे ना तब मतलब लोग स्टेज पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे ना, किसी ने तो बोतल वगैरह भी फेंक दिया था, जिसकी वजह से किंग जो है गुस्से में चले गए थे। इसी से रिलेटेड कल का लॉन्डा जो अपने सेकंड चैनल पर एक व्लॉग अपलोड किया, मैं जरा सा क्लिप उनके व्लॉग का दिखाता हूँ, आप देखिए। और भाई क्या गंदा सीन हुआ है गाइस, बहुत गंदा सीन। स्टेज वेज पे चढ़ गए भाई, इतना भीड़, लोग इतने सारे, आई डोंट नो जगह छोटा पड़ गया या क्या हो गया, बहुत ज्यादा धक्का मुक्की, मेरा तो पैर भी मुड़ गया गाइस। मैं बाहर आ गया, मैं इसको बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मैं बाहर निकल गया, इसने थोड़ी बहुत शूट की और हम फिर यहाँ कार में आके बैठ गए। इतना सीन खराब, किंग भी चले गया। किंग बेसिकली 3 गाना गाया है, और फिर उसके बाद लोग उसकी बात भी नहीं सुने, बेसिकली माइक में बोले जा रहा है कि गाइस प्लीज पीछे हो जाओ। लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, नहीं पता क्या था सीन था। और भाई वो फिर 2 गाना गा के 3 गाना गा के वापस चले गया। आई थिंक कि ना मतलब जगह छोटा पड़ गया, तो चलिए अब अगली अपडेट के बारे में, UK07 राइडर के बारे में। तो आपको पता होगा इनका एक दुकानदार का जो कंट्रोवर्सी चल रहा था, करण है उन दुकानदार का नाम, वही आईफोन 14 को लेकर जो मतलब चल रहा है। तो अभी फाइनली UK07 राइडर से पूरा एक प्रॉपर रिप्लाई किया अपने एक वीडियो में, जहाँ पे होता है कि गलती जो है करण का था, है ना, जो आईफोन 14 Pro Max 128GB ले लिया, जबकि वो खरीदना चाहते थे 1TB वाला। एंड करण ने कहा था कि आईफोन 14 Pro Max 1TB जो है कल आएगा, जब आएगा तब आप 1TB वाला लेना एंड 128GB वाला मुझे रिटर्न कर देना। एंड ऐसा करते करते जो एक महीना हो गया है ना, कुछ भी पता नहीं है। UK07 राइडर ने जो 1.5 लाख रुपए में वो फोन खरीदा था, एंड जब बहुत दिन बीत गया तब UK07 राइडर ने कहा कि आप ये वाला 128GB ले लो, मैं दूसरी जगह से ले लूंगा 1TB वाला, आप मुझे पैसे रिटर्न कर दो। तो बोलते कि मैं आपको सिर्फ 1 लाख दे सकता हूँ, ऐसा कुछ ना। तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो गुस्सा हो गया UK07 राइडर, वहाँ पे वो प्रूफ्स वगैरह भी दिखाए कि करण का ही गलती है ना, एंड वो जो अपना गलती एक्सेप्ट करे उसका भी वो क्लिप दिखाए। मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, पूरा वीडियो देखना, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड हमारे ऊपर एक फेक FIR रजिस्टर हुई है, एंड ये सारी चीजें ना मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज लोग ना कुछ भी बोलते हैं, बट एटलीस्ट आई हैड दैट फुटेज जो हम लोगों ने रिकॉर्ड करी, विच प्रूव्ड कि पहली बात तो करण ने ना इस फोन का बिल हमारे नाम पे फ्रॉड करा, दूसरा उसने GST भी अपने नाम पे क्लेम कर दिया था, एंड तीसरा गाइज ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक, एंड मिस्टेक एक्सेप्ट करने के बाद भी उसने प्रणब भैया पे FIR करवा दिया। एंड तो मैंने भी गाइज 3 जगह से ना कंप्लेन ऑलरेडी रजिस्टर करवा दी है। पहला कोर्ट का नोटिस जा चुका है, दूसरा इस दी GST काउंसिल में ना फ्रॉड GST क्लेम करने का भी कंप्लेन जा चुका है, तीसरा कंज्यूमर कोर्ट। अगर बात ना मेरे तक होती तो मैं छोड़ देता, बट प्रणब भैया पे अगर आप फेक FIR रजिस्टर करवा रहे हो ना, तो मैं खुद अपने एंड से बोल रहा हूँ, फ्रॉड के केस में तो आप अंदर जाओगे ही जाओगे, साथ ही साथ ना मेरे को मेरा फोन का बिल भी मिलेगा, प्लस कॉम्पनसेशन अलग पे करेगा ये बंदा। तो चलिए अगली अपडेट को विराज घिलानी के बारे में। तो इनको तो आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे, इनका जो YouTube चैनल पे Instagram में काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो इनका जो एक मूवी आ रहा है गोविंद नाम मेरा, जिसमें जो भूमि पेडनेकर होंगे, विकी कौशल होंगे ना, वो लिखे विराज घिलानी एज गौरी, भूमि पेडनेकर का बॉयफ्रेंड एंड विकी कौशल का सौतन, आर यू रेडी फॉर दिस राइड। एंड आप देखते तो वो फिल्म जो है December 16 को रिलीज होने वाला है Disney+ Hotstar में। तो चलिए अगली अपडेट को टेक्नो गेमर्स के बारे में। टेक्नो गेमर्स कंप्लीट कर ले 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स, यस इसके ऊपर वो रिएक्ट भी कर रहे थे जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और जो टोटल गेमिंग ने कंप्लीट कर लिया 34 मिलियन सब्सक्राइबर्स, इसके ऊपर वो भी रिएक्ट कर रहे थे, आप देख सकते हो। बता दो टोटल गेमिंग अभी नंबर 1 गेमर है इंडिया के, एंड टेक्नो गेमर्स जो सेकंड नंबर पर है। क्या लगता है आप लोगों को टेक्नो गेमर्स और टोटल गेमिंग को क्रॉस कर देंगे आने वाले कुछ दिनों में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान ने जो Drishyam 2 मूवी देखा, उन्होंने अपना रिव्यू दिया, वो लिखे Drishyam 2 इज अ स्लो बर्न एंड बिल्ड्स यू अप फॉर द क्लाइमैक्स, मैन द एंटायर थिएटर वाज क्लैपिंग इन द क्लाइमैक्स, बहुत मजा आया देख के। तो उनको तो काफी अच्छा लगा मूवी, आप लोगों ने अगर देखा है तो कमेंट में जरूर से बताना। मैंने देखा नहीं, मैं भी देखने जाऊंगा 1-2 दिन में। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।